ठीक होंगे जानी रहे हैं कुछ और करते हैं। टुडे माय टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो भी टाइप हैं। देयर आर फाइव केमिकल रिएक्शन इन दिस बुक, क्योंकि ये मैट्रिक की बुक है, टेंथ क्लास की बुक है। इसमें फाइव डिस्कस की गई हैं, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। जो भी नेक्स्ट 5 to 15 ग्रेड की जॉब के लिए पेसेबल होगा या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए होगा, फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइड कॉमनली इनटू 5 different types। 5 किस्म में केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उसी के नाम है। उसके बाद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट में हमारा है कंबशन रिएक्शन। ये हम 5 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि इसमें फर्स्ट किया गया है, इसीलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने होमवर्क के जाने। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप यहाँ पे देख लें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको रिएक्ट करवाने के लिए। ये रिएक्शन करने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इसको हम बाद में देखेंगे। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 reactant डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज होगा और फॉर्म करेगा 1 or 2 प्रोडक्ट। सपोज हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब इसको क्या करेंगे, हम हीट अप करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है, गैस फॉर्म में है, और कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या कहते हैं, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। आप ये लिखते जाएं क्योंकि ये नेम आते हैं एग्ज़ाम में। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, ये लाइम स्टोन है। अब लाइम स्टोन को जब हीटअप किया गया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखें ये क्या है, हमारा एक रिएक्टेंट है। जब ये हीटअप हुआ तो इन चीज़ों में टूटा, 2 प्रोडक्ट में टूटा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। इसके लिए क्या हुआ, हमें हीट की रिक्वायर्ड हुई, हमें हीट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अभी इसको हम रेज करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं।